अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको टाइटल से पता है कि मैं नवाबक जा रही हूँ, सो हम लोग इस वक्त रस्ते में हैं। मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा। इस वक्त मैं एक ऐसे इदारे में बैठी हुई हूँ जिसके साथ मैंने अपने काम का, अपनी जॉब का जो है, अपनी नौकरी का जो है वो आगाज़ किया था। जॉब की फील्ड में सबसे पहले मैंने कदम रखे थे। बिल्डिंग न्यू है, ओल्ड बिल्डिंग में तो पता नहीं अभी जाने भी देते हैं कि नहीं जाने देते, लेकिन हमारा प्रिंटिंग प्रेस जो है वो है। तो आज मैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए आई हुई हूँ, अपने काम से आई थी, लेकिन सोचा कि आप लोगों को भी बताऊँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस वक्त जहाँ मैं बैठी हुई हूँ ये है एडिटोरियल रूम, और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। घर से पता किसी काम से आई हूँ तो काम तो करना ही पड़ेगा। मैं आपको वैसे विज़िट कराती हूँ, ऐसे दिखाते गए दिखाते गए यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट हुआ करते थे किसी ज़माने में, अब नहीं है। हैं अभी भी सारी चीज़ें वैसे ही हैं, लेकिन स्टाफ ना होने के बराबर हो गया। हालात के मारे हुए लोग सबके सब मैंने छोड़ दिया था, अच्छे वक्तों में छोड़ा, बुरे वक्तों में छोड़ा, पर छोड़ दिया था। तो अभी अच्छी जगह पर बैठी हुई हूँ, अच्छे काम कर रही हूँ। यहाँ पे भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सिंसेयर हैं इस इदारे के साथ, अपने काम के साथ, इसी वजह से बैठे हुए हैं यहाँ पे अभी तक टिके हुए। तो उन लोगों का तो यही मानना है कि जब तक ये इदारा ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पे हैं, हमारा जीना भी यहीं, मरना भी यहीं। तो ऐसे लोगों में से एक मेरे फादर भी हैं, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी। एज एडिटर के यू यहाँ पे मैगजीन के इंचार्ज हैं, मैगजीन के कह रही हूँ एडिटोरियल इंचार्ज है, मैगजीन का इंचार्ज बना दिया, मैगजीन के इंचार्ज के साथ भी आपकी मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। और मैं जैसे जैसे जाती जाऊँगी आप लोगों के दिखाती जाऊँगी, हो सकता है मैं मुझे वॉइस ओवर ज़्यादा करना पड़े, कुछ पता नहीं। ਨਵਾਬਕ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜੀਦ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਜ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ। तो इस वक्त हूँ मैं न्यूज़ रूम में, न्यूज़ रूम का आपको नज़ारा करवा रही हूँ कि न्यूज़ रूम हमारा जो है वो कैसे दिखा करता था। कभी किसी ज़माने में यहाँ पर बहुत मज़े मज़े के लोग बैठा करते थे, अच्छा काम होता था, बहुत रश होता था, ये जितने कंप्यूटर्स पड़े हुए यहाँ सारे के सारे लोग हुआ करते थे। लेकिन अब जो है ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, और क्योंकि कुछ हालात की वजह से और कुछ ये कि लोग इधर उधर कहीं शिफ्ट हो गए और जो भी स्टाफ है वो कम हो गया। तो यहाँ से हमारी एंट्रेंस हुआ करती थी किसी ज़माने में, बड़े ठाट से आया करती थी मैं। सो चलिए अब मैगजीन में चलते हैं और बताते हैं यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं और क्या क्या लोग हैं। सर मैं ना व्लॉग बना रही हूँ, आपने मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें कर ली हैं। अच्छा इस वक्त मैं ना उस डिपार्टमेंट में हूँ जहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, मेरी बेसिक जो है ना वो यहीं पर बनी है। लिखना कैसे है, किस तरह से करना है काम, फील्ड में जाके कैसे काम करना है, वो सारी चीज़ें इसी डिपार्टमेंट में हुई। तो ये संडे मैगजीन इस कहलाता है डिपार्टमेंट, लेकिन यहाँ पे डेली एडिशन भी बनते हैं। और मेरे जो इंचार्ज रहे हैं वो ये भी है, खालिद भी साथ, आशीष साहब भी थे, लेकिन वो भी यहाँ पर है नहीं, फैमिली मैगजीन में चले गए हुए हैं। और ये अवान साहब हैं, इन्होंने भी हमेशा मेरी बहुत ही रहनुमाई की है हर चीज़ के हवाले से। सर आप मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें करिए ज़रा। शाजिया बहुत अच्छी राइटर है, रिसर्चर भी है, और वो हर हफ्ते हमारे लिए एक पेज बनाती है, और उसको बाज़ अवकात इमरजेंसी में कहना पड़े कि कुछ लिख के दें, तो वो पहले से तैयार शुदा उसमें मैटर रखे हुए थे मुख्तलिफ मौजूदात पर, ताकि वो हमें फ्राहम कर सकें। पुराने नहीं होते लेकिन अपडेट करके देती हूँ मैं। पुराने नहीं, नए होते हैं, लेकिन उन पर रिसर्च मुख्तलिफ मौजूदात पर रिसर्च करके रखे हुए होते हैं। तो ये है कि ना सिर्फ अच्छी राइटर है, बड़ी वैसे भी है, भी है बड़ी प्यारी भी हूँ, मोहर भी लग गई तो बिल्कुल बच्चियाँ बहुत प्यारी होती हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा काम करती है। और मेरे ख्याल में तो ऐसे मीडिया जर्नलिस्ट एक परमानेंट जॉब करनी चाहिए, परमानेंट जॉब करनी चाहिए भी, हम तो करना चाहते थे बस लोगों ने करने नहीं दी। ये वाले जो लोग हैं ना, ये वाले लोग ऐसे मुँह छुपा के बैठे हुए हैं, इन लोगों ने करने नहीं दी। शट अप हो जाऊँ मैं। अच्छा ये बड़ी अच्छी बंदी है, इसने मेरी बड़ी हेल्प की जब स्टार्ट रहे थे, वो कह रही मेरा मुँह दिखाने लायक ही नहीं। अच्छा इसने मेरी बहुत हेल्प की है, अमरीन नाम है इसका, सर्च कर लेना खुद ही, लिखती है बहुत अच्छा लिखती है, और ख़वातीन को हमेशा टारगेट करती रहती है, तो मतलब ख़वातीन के लिए लिखती है, ख़वातीन पेज वगैरह पे काम करती है, तो इसको सर्च कर लेना, बड़ी अच्छी बंदी है।
ये कुछ नए लोग भी आए हैं इसमें हमारे पास, पहले यहाँ पे हुआ करते थे, और ये खालिद साहब हैं, इनसे भी काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला है ना सर? मेरे बारे में कोई अच्छी अच्छी बातें करें सर। नहीं, इन्होंने शोबिज़ के हवाले से काफ़ी सर, मैं आपके पास काम करती थी, मैं कैसी कैसी थी ये काम करने में? हाँ, मैं जुनूनी थी, मैं पागल नहीं थी लेकिन जुनूनी थी। अच्छे वाला जुनूनी थी मैं। ये और बात है, पागल खानों के भी विजिट किए हुए हैं होता ना, हर फिल्म वालों की जैसे कहते हैं जो हर काम करे फिल्म, वो शोबे में मतलब आपका कोई भी मौजूद हो उसको आपने बखूबी निभाया। सही, यहाँ पे हमारे एक डिज़ाइनर, हाँ हमारे एक डिज़ाइनर हुआ करते थे जाहिद साहब, उनकी डेथ हो गई, वो बहुत अच्छे थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, बहुत अच्छे बंदे थे। पहले वो नेशन में, हाँ नेशन में, नेशन से आए थे यहाँ पे। एक ये हमारे हैं गुल साहब, नदीम गुल साहब, हम तो इनको गुल साहब ही कहते हैं, पावे नदीम हों या पावे जो भी हों, गुल साहब हैं ये, ठीक है। ये हमेशा पेज मेकिंग करते रहते हैं, हाँ जी इनको, हाँ जी ये डिज़ाइनर है। ओके, तो ये डिज़ाइनर साहब से ना टाइम देना बड़ा मुश्किल होता था, ये टाइम ही नहीं देते थे हमें, बताते ही नहीं थे भाई इस टाइम पे आ जाना ये काम, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता था, अभी भी होता है, डेली एडिशन जाना कोई आसान काम नहीं होता। नहीं लह रही तेनू मैं अल्लाह सिक्के बिल्कुल। ये ईशा हैं, ईशा पता नहीं आना चाहेंगी कैमरे पे, भी नहीं आना चाहेंगी, और इनसे मेरी ज़्यादा मुलाकात नहीं है लेकिन फ़ोन पे अक्सर बातचीत हो जाती होती है। वो मैटर नहीं आया आपका, कब आएगा, मेल नहीं पहुँची, मेल दोबारा कर दें, तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। ईशा भी अच्छी बच्ची है। सो ये मेरा मैगज़ीन डिपार्टमेंट था नवाई वक्त का, और इसके बाद जनाब हम लोग को वक्त ही नहीं मिला, रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग, और हम रिकॉर्डिंग करके अपने दफ्तर के वल टूर गए थे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अगले वीडियो तक के लिए।